कैसे 24 घंटे का भजन संभव है, आ समझ लेना। आप सुखी नहीं रहते, उसका कारण है। वृंदावन गए, वहां से कृष्ण ले आए, हरिद्वार गए, वहां से शंकर जी ले आए, बद्रीनाथ गए, वहां से कुछ और ले आए, घर में भगवान ढेर लगा के रख लिया, लेकिन उनको कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। पहली बात, गृहस्थी को जो भगवान है, ये नियम है, इससे ऊंची प्रतिमा गृहस्थी को नहीं रखनी चाहिए। लगभग 5 इंच अगर इससे ऊपर की आपको प्रतिमा रखनी है तो ब्राह्मण देव के द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठा डाली जाती है। इष्ट आपके एक होने चाहिए। अब लाके भगवान जी तो ढेर लगा लिया, और कुछ लोग तो घर के आगे भी लगा देते हैं, दरवाजे पर गणेश जी लगा दिए, माँ भगवती लगा दी, और उन्हें कोई दीपक नहीं दिखाता। जब दीपावली आती है तो झाड़ू जरूर बजती है उन पर, ताली बजाते से। तो 5 भगवान प्रत्येक घर में होने चाहिए। समय तो मुझे कम है, लेकिन मैं फिर भी आपको चर्चा करूं। आप लोग जो दुखी रहते हैं, इष्ट आपका एक होना चाहिए, गुरुदेव आपके एक होने चाहिए। ऐसा नहीं, मैं गजरोले में जब आया शुरू शुरू में, तो वहां एक मैया मुझे मिली, उसने कहा गुरुजी आप तो हट्टे कट्टे लग रहे हो। मैंने कहा हाँ है, तो बोले मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ। हमने कहा माँ क्या आपने पहले गुरु नहीं बनाए कभी? अरे गुरुजी क्या कहूँ, जब मैं बहुत छोटी सी थी ना, 10-12 साल की, तो हमारे गांव में एक बूढ़े बाबा जी कथा करने आए थे, मैंने उनका मंत्र ले लिया, और पता लगा 2 साल बाद गुरुजी निमट गए महाराज। फिर ने कहा, फिर बोले 2 साल बाद मैंने एक और गुरु बनाए, अब की बार मैंने जवान गुरुजी बनाए। हाँ, लेकिन गुरुजी उनका कार्यकाल भी मात्र 4 साल चल पाया। मैंने फिर बोले तीसरी बार मैंने अब के सोचा माताजी को किसी को गुरु बनाऊंगी, तो एक माताजी मैंने गुरु बनाई। पर गुरुजी क्या बताऊं, माताजी भी 2 साल में निमट गई। मैंने अब बोले अब आपको गुरु बनाना है। मैंने कि देवी जी मैंने 2029 तक कथा ले रखी है, हाँ उसके बाद विचार हम भी कर लेंगे तुम्हें शिष्य बनाने का। गुरु पर शास्त्र कहता है रामचरितमानस, गुरु बिन भाव निधि तरहि न उसका जीवन शुरू नहीं होता, और जो बिना गुरु के मर जाते हैं उनको भूत और पिशाच बनना पड़ता है। सुनी होने जी जी। अब गुरु जरूरी नहीं है, गुरु पति को भी बनाया जा सकता है। यहां ब्राह्मण अगर होंगे तो उन्हें मालूम है, जब फेरे डलते हैं
तो दो मंत्रों को ब्राह्मण गोपनीय रखता है, क्योंकि वो गोपनीय मंत्र इसलिए होते हैं कि पति को भी गुरु बनाया जा सकता है, पर ऐसा गुरु जी ना हो बोले तो हमारी चेली बन गई, हम ठर्रा लगा तू भी ठर्रा लगा आराम से, तो मनाया जा सकता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को गुरु बनाया जा सकता है। और एक और गुरु बना सकते हैं आप, जय 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 हनुमान गोस्वामी, जय 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 को आप गुरु बना सकते हैं। द्वादश मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप अगर कोई माता, आज मुझे फोन आया था आपके गांव से कि पिछले 17 साल से मैं परेशान हूँ, आपकी कथा से मैंने एक उपाय किया था, आज फिर बता रहा हूँ। अगर जीवन में बहुत दरिद्रता आ जावे, जीवन में सारे मार्ग बंद हो जावे, तो आंवला और बेल का गूदा, जो बेल होती है उसका गूदा आपस में पीस लो और जल बनाकर, जल में मिलाकर अगर 40 दिन कोई शंकर भगवान पे चढ़ा दे, तो जीवन में कभी दरिद्रता तो का मुंह नहीं देखना पड़ता उनको, जीवन में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। 5 भगवान वो कौन से हैं वो भी सुन लेना। ये साधारण नहीं है, हनुमान जी को गुरु बनाया जा सकता है, माताएं भी बना सकती हैं, पुरुष भी बना सकते हैं, हनुमान जी जैसा गुरु नहीं। जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो पढ़ सकती रामचरित हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, हो ये सिख साकी, हो ये सिख, कौन कौन जिम्मेदारी ले रहा है, कौन जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, जो पढ़े हनुमान चालीसा, हो सिद्धि साची गौरीसा। कौन जिम्मेदारी ले रहा है, स्वयं पार्वती और स्वयं शंकर भगवान। उसमें ये नहीं कहा जो ये मयंक पढ़े हनुमान, जो ये स्त्री पढ़े हनुमान, उसमें कहा जो ये पढ़े
हनुमान चालीसा हो सिद्धि साखी गौरीसा। पढ़ के देखिए, अगर जीवन में पति पत्नी कहते हैं मेरे आजकल करवा चौथ थी ना माताएं सबसे पहले पति का नाम मुट्ठी में लिखवाती है। हमने पूछा मैया ये हाथ में नाम का क्या, बोले गुरुजी इसे लिखवा लेंगे तो हमेशा मुट्ठी में बना रहेगा, ये कब्जा कर लेंगे इस पर, जैसा चाहेंगे वैसा नियंत्रण करेंगे इस पर। और अगर दोनों पति पत्नी मिलकर पीपल के वृक्ष के नीचे, सावधानों की कथा को सुनिए, अब कथा में प्रवेश करने जा रहा हूँ। जरूरी है तुम्हारे जीवन में वो कृष्ण पैदा हो।